नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, दमोह उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, अब जो है दोनों ही पार्टियों का जनसंपर्क जोर पकड़ रहा है और इसी जनसंपर्क के बीच आरोप प्रत्यारोप भी अपनी तरह से जोर पकड़ रहे हैं। आज ऐसा ही एक मामला सामने आया है। दमोह विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन पर वोट के लिए नोट बांटने का आरोप जो है भाजपा ने लगाया है। दरअसल दमोह विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन पर मतदाताओं को लुभाने के लिए कथित तौर पर नोट बांटे जाने का भाजपा ने आरोप लगाया है। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में इसकी शिकायत भी की है। कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन किया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबरानी ने कहा है कि दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा नोट बांटे जाने का वीडियो वायरल हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें, अजय टंडन वरिष्ठ नेता कांग्रेसी अपने तरीके के लिए, अपने जवाब के लिए, हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से भाजपा के इस आरोप का खंडन करते हुए क्या जवाब दिया, जरा आप भी सुनिए। एक वीडियो वायरल किया है जिसमें ट्विटर किया है, पैसे की बात कही है, कैसा मामला है? बीजेपी बौखला गई है, उनको बिल्ला 2000 का नोट दिखता है, क्योंकि जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास अटैचियों में पैसा भरा हुआ पड़ा है, बोरों में, बोले सपनों में भी अब नोट दिखता है। हमारा ये कहना है कि इतना ना बौखलाएं, चुनाव को चुनाव की दृष्टि से लड़ें। और ये मारूताल में मेरे साथ ये सब लोग थे, परम बज्जा थे, नितिन थे, सब लोग थे, ये वीर था। और मैं ये बिल्ला सबको अपने मंदिर में ऐसे दे रहा था, ये लीजिए, ये लीजिए, और हमारे पंजे का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे पास केवल बिल्ला है, केवल ना हमारे पास कोई अभी चुनाव सामग्री है ना कुछ है। हम लोग को ये भी मेरे किसी मित्र ने मुझे छपवा के दिए है। अब मैं अपने मित्र से पूछूंगा, भैया ये बिल्ला दिया था तुमने कि 20,000 का या 2,000 का नोट दिया था? अब उससे पूछना ही पड़ेगा कि भैया इसके पीछे और कुछ तो नहीं छुपा है। अब रही बात आपने पूछा है कि देखिए, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कितना समय खराब कर रहे थे, आपका कितना समय खराब हुआ, आप इतनी गर्मी में 25 किलोमीटर दूर भगते चले आ रहे, हम लोग करीब एक घंटे से मीडिया का सामना कर रहे हैं। आप गांव वालों से भी पूछ लो ना, गांव वालों से आप ये पूछना कि क्या तुम्हें कोई बिल्ला मिला या कोई पैसा मिला, वो अपने आप आपको ये चीज दिखाएंगे। यानी बौखलाएं ना, चुनाव को चुनाव के ढंग से लड़े, फालतू की बकवास ना करें। और ये पब्लिक है, ये जानती है कि ये बिल्ला है कि 2000 का नोट है। टंडन जी, जैसे शर्मा जी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनने भी अपने अकाउंट से इस वीडियो को वायरल किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये बीडी शर्मा से पूछो, अपनी आंखें टेस्ट कराएं, अपनी आंखों का इलाज कराएं किसी अच्छे डॉक्टर से, शिवराज सिंह का जो करता हो इलाज उससे, और कोई बड़े डॉक्टर को इलाज कराएं कि ये नोट है कि बहुत, उन्हें तो नोट ही नोट दिखती है ना। भाई साहब, अभी तक बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से अकाउंट से वीडियो नहीं हटाया, प्लस निर्वाचन आयोग में जाने की बात कर रही है। निर्वाचन आयोग में चले जाएं, हम तो उनकी शिकायत कर रहे हैं कि ये क्या प्रोपोगंडा कर रहे हैं। वो कचरे भी करते हैं तो जिक्र नहीं, हम आह भरते हैं तो हो जाती है बदनाम। माइसम का जो आपकी ठेकेदारी चलती है उसका पैसा खर्च कर, उनका आरोप है भाजपा के प्रत्याशी है जो राहुल सिंह, उनके द्वारा वीडियो वायरल किया गया है, ये उन्होंने कहा है। आप मजबूती से कह रहे हैं, मेरे पास ऐसा ना होगी वो वापस हो जाए, मेरे पास वीडियो है। अरे यार राहुल भैया, शांत रहो बेटा, मैं तुम्हारा चाचा के समान तुम बनाती हो, इतनी मेहनत करता हूँ। चलिए आज फिर मैं खुला चैलेंज करता हूँ, मैं जिस रेट में माइसन में पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ, उतने कम रेट में अगर कोई भी काम करना चाहे
तो मैं उसको अपना ठेका देने को तैयार हूँ। राहुल सिंह करना चाहेंगे? तो बेटा को कर रहे हैं। चाहेंगे मैं पूछ तो रहा हूँ। तो हम कह रहे हैं, फिर उसको चेतावनी देता हूँ कि फालतू के आरोप मत लगाओ, नहीं तो इस कलेजे से खून के फव्वारे निकलेंगे, समझ में आ जाएगा।